अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सीख कबाब की रेसिपी। तो इसके लिए हमने आधा किलो कीमा ले लिया और इसको बहुत बारीक बारीक दो बार मशीन से निकलवा लिया, तो ये काफ़ी बारीक हो गया है, ये देखिए इस तरह से। और इसको धोकर हमने डलिया में डाल दिया था 2 घंटे के लिए। तो ये पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत पानी हो भी तो उसको आप किसी कपड़े से सुखा लीजिएगा। ये देखिए इस तरह का हमारा कीमा होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो फिर हम बनाते टाइम हमारे कबाब टूटेंगे। इसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून हमने लिया है मोटा कुटा धनिया, 1 टीस्पून लिया है मोटी कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक आपके जायके के मुताबिक है, और 1/2 टीस्पून लिया है गरम मसाला। यहाँ पर हमने लिया है 1 बड़ा प्याज जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और करीब 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 1/2 नींबू का रस है और 2 टीस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट है। इसकी जगह आप कचरी पाउडर भी ले सकते हैं या मीट टेंडराइज़र भी ले सकते हैं, बस हमें इसे गलाना है थोड़ा। और हमने लिया है 1 बाउल हरा धनिया। हरा धनिया इसमें बहुत मस्त है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको हमने ऐसी बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले खीमे में हम डाल देंगे ये पपीता, नमक, नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा, और नींबू का रस। इन सारी चीज़ों को डालकर हम मिक्स कर देंगे और इनको 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए नमक, पपीता और नींबू का रस लगाकर इसको हमने रख दिया है, इसको हम 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तो इसको पहले किनारे करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो देखिए एक पैन हमने नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें हम पहले 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं, 2 टीस्पून हमने डाला ये देसी घी। अब इसमें हम डाल देते हैं ये बड़ी इलायची और ये सिनेमन स्टिक। इसको पहले हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इसमें, ताकि इसका थोड़ा सी खुशबू इसमें रिलीज़ हो जाए। फिर इसमें ये प्याज डाल देंगे हम, इसको हमें फ्राई नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करना है इसमें हमें। ये हरी मिर्च भी इसी में डाल देंगे। तो देखिए बस हमें इस तरह का ही चाहिए, बहुत लाइट पिंक हुई है प्याज, बस हमें इसका थोड़ा सा मॉइस्चर सुखाना है प्याज का बस। तो बस इसको हम निकाल लेंगे एक जार में। तो देखिए इसी पैन में हमने ये धनिया और लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, इन सब चीज़ों को डालकर हल्का सा रोस्ट करना है हमको, बस नहीं करना, हमने गैस बंद कर दी है। तो बस इसी पैन में हमारा ये मसाला हो जाएगा, बस इसका हल्की सी खुशबू आने लगे हमें, बस हमें इसे जलाना नहीं है। तो बस इसको भी उसी प्याज में डाल देते हैं। तो देखिए एक मिक्सी के जार में हमने सब प्याज डाल दिए, उसी में ये मसाले जो हमने रोस्ट किए इसको भी डाल देते हैं। और ये गरम मसाला भी इसमें ही डाल देते हैं। गरम मसाले को हमने रोस्ट नहीं किया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब हम इसको मिक्सी में चला लेंगे जितनी ज़रूरत लगेगी पानी की, बस 1 या 2 चम्मच मुश्किल से पानी डालकर इसको हम पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है, अब हम इसमें जो अपना ये मैरिनेट कर किया हुआ कीमा रखा हुआ था इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे तो ये बाउल छोटा है। हमने आपको बताया था कि कीमा हमारा रूखा है, इसमें कुछ परसेंट इसमें चिकनाहट होनी ज़रूरी है। अगर गोश्त में चिकनाहट है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप इसमें अलग से भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने करीब 1 बड़ा चम्मच घी डाला है, इसको इसमें डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। इनको हमें ठीक से मलना है ताकि इसमें एक चिकनाहट आ जाए। ये डालने से हमारे कबाब काफ़ी जूसी बनेंगे, सूखे सूखे नहीं रहेंगे अंदर से। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, इसमें हरा धनिया में हमने इसके स्टेम भी लिए हैं क्योंकि इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है,
और जो ये मसाला हमने पीसा है ये भी हम डाल देंगे इसमें। इसको खूब ठीक से हमें मिलाना है कि सारे मसाले आपस में खूब अच्छे से मिल जाएं। तो देखिए इसको हमने खूब अच्छे से मिला लिया। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा गैप बनाते हैं और इस तरह से इसमें उंगलियों के निशान बना देंगे। इस बीच में हम चारकोल रखेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसके बीच में हमने एक गैप कर दिया। इसके बीच में चाहे तो आप फॉइल की कटोरी रख दीजिए और चाहे तो स्टील की कटोरी। इसमें हम एक चारकोल डालेंगे, काफ़ी लाल कर लिया हमने इसको। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर या घी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो देखिए इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब पूरा इसमें से धुआं निकल चुका है। अब इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। आपके ऊपर है आप कितना धुआं रखना चाहते हैं। आप 2 मिनट रखना चाहें, 5 मिनट रखना चाहें, 10 मिनट रखना चाहें। हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किया जाता है तो हमने 10 मिनट रखा है। तो देखिए इसके कबाब बनाने के लिए हमें स्टिक की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास स्टिक जो होती है बेसिकली जिस इसके कबाब बनाने वाली, अगर वो आपके पास नहीं है तो देखिए उसके लिए जुगाड़ हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसके लिए या तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी बहुत अच्छे कबाब बनते हैं, या तो फिर आप इस तरह की जो स्टिक्स आती हैं इनको आप लेकर 6 से 7 स्टिक और इनको इस तरह से धागे में लपेट लीजिए इस तरह से, तो ये एक पेंसिल का शेप आ जाएगा इसका। और इसके ऊपर फिर आप अनमोलियम फॉयल से इसको रैप कर दीजिए तो वो आपकी एक स्टिक तैयार हो जाएगी। तो आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं और चाहे तो पेंसिल से बना सकते हैं। तो हम आपको पेंसिल से बना के दिखाते हैं। अब इसको हम एक मरतबा पहले पूरा मिक्स कर लेते हैं ताकि जो इसमें हमने फ्लेवर कोयले का डाला है चारकोल का तो वो पूरे में हो जाए। अभी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सीख कबाब में बहुत ज़्यादा मसाले पड़ने की कोई ज़रूरी नहीं है कि तब टेस्ट अच्छा है, कम मसालों में भी बहुत ही अच्छा बनता है ये। इस तरह से आप बना के देखिएगा, आपको बिल्कुल बाहर का फ्लेवर आएगा इसमें कबाबों का। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं ये। एक पोर्शन हम लेंगे उसको इस तरह से ये बॉल, थोड़ा लंबा सा बॉल बनाएंगे और इसके बीच में ये पेंसिल को इंसर्ट कर देंगे और इसको थोड़ा टाइटली हमें ऐसे दबाना है इस तरह से। इसको हम दबाते जाएंगे और कबाबों को थोड़ा पतला करते जाएंगे। जहाँ से थोड़ा थोड़ा खुलेगा वहाँ से हम दबा देंगे इसको इस तरह से, पीछे से और आगे से इस तरह से। हम इसको पेंसिल से बहुत ही आसानी से ये कबाब बनते हैं। ये देखिए काफ़ी पतला हो गया इसको। अभी हम आपको निकाल के भी दिखाते हैं, ये बहुत आसानी से बाहर निकल आता है। बस इस पूरे कबाब को आपको इस तरह से पकड़ना है, पेंसिल को खींच लेना। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हमने इन कबाबों को तैयार कर लिया है तो फिर चलिए गैस की तरफ चलते हैं और उनको फ्राई करना स्टार्ट। तो देखिए एक नॉनस्टिक पैन में हमने तेल डाल दिया, ये रिफाइंड ऑयल है। अब हम इसमें एक एक करके ये डालते जाएंगे। इन्हें हमें शैलो फ्राई करना है। तो आँच तेज़ होनी चाहिए, हमारा तेल काफ़ी गर्म होना चाहिए क्योंकि तेल अगर ठंडा होगा तो ये कबाब हमारे टूटने का डर है। तेज़ तेल में हम इसको डालेंगे तो ये अपना एक शेप ले लेगा। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं हमारे कबाबों को, इसको हमने मीडियम आंच पे ही रखा हुआ है। अब हम इसको टर्न कर देते हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। मीडियम आंच पे रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे कबाब जैसे ही इसमें डालेंगे आंच सही मिलने की वजह से वो फौरन श्रिंक हो जाएंगे तो वो अपना शेप नहीं ख़राब करेंगे, अपना शेप ले लेंगे वो। तो देखिए इस तरह से हम इसको टर्न कर देते हैं, इनको बहुत आराम से टर्न करिएगा। ये देखिए तो दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए कबाब हमारे दोनों तरफ से हो चुके हैं, इसको हमने घुमा घुमा के हर तरफ से सेक लिया। अब हम इसको निकाल लेते हैं और अपना दूसरा बैच इसमें डाल देते हैं। तो लीजिए बन के तैयार हैं हमारे कबाब। अब हम इसके ऊपर से ये बटर की थोड़ी गार्निशिंग कर देते हैं। बटर ऊपर से डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए हम एक तोड़ के भी आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कितना जूसी है। ये देखिए और ये काफ़ी टेंडर भी हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है ये। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।